जबलपुर में हरतालिका तीज के अवसर पर जगह जगह धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान महिलाओं ने रात्रि जागरण भी किया और तीज का व्रत कर पति की लंबी उम्र की कामना की। महिलाओं का कहना है कि जिस तरह माता पार्वती ने कठिन तपस्या से भगवान शंकर को प्राप्त किया था, इसी मान्यता के चलते इस व्रत को किया जाता है। हरतालिका तीज में माता गौरी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किया। हिमालय पर जाकर भूखे प्यासे रहकर पत्तों का सेवन कर और बहुत ही कष्ट को, बहुत ही यातनाओं को सहकर भगवान शिव को प्राप्त किया। आज हम सभी महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य को लेकर और खुशहाल समृद्धिपूर्ण गृहस्थी के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हरतालिका तीज को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।